हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा और आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज हम आपके लिए ईस्टर्न यूपी यानी मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद, भदोही वगैरह में बनने वाली एक मशहूर पारंपरिक रेसिपी लेके आए हैं। जी हाँ, अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इसका नाम है लिट्टी चोखा और इसे तड़के वाली दाल के साथ सर्व करते हैं। वैसे तो लिट्टी चोखा ग्रामीण इलाकों में आज भी फ्रिक्वेंटली बनने वाली डिश है और ये घर पर या बाहर इसे काफ़ी आसान समझा जाता है, पर शहरों में जहाँ ग्रामीण संसाधनों का अभाव है वहाँ इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। डोंट वरी फ्रेंड्स, आज हम इस लोकप्रिय रेसिपी को बनाएंगे विद एन अर्बन ट्विस्ट, ताकि आप किसी भी क्षेत्र में हो पर इसे आसानी से बना सके। इसके लिए हमें वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ किस बात की देरी, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें आटा लगाना है, तो ये मैंने 2 कप आटा लिया है। अब इसी में मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, आप नमक चाहे तो स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से हमारा ये बहुत अच्छा फूलेगा भी और क्रिस्पी भी होगा। और इसमें मैं डालूंगी 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को मैं इस तरह से क्रश कर लूँगी और उसे भी डाल दूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी 3 चम्मच घी। अब मैं इसका एक डो तैयार कर लूँगी। सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें, जैसे पराठा के लिए हम लगाते हैं आटा, इस तरह का हमें आटा लगाना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा लगा लेते हैं। अभी हमारा आटा लग गया है, अब इसे हम ढक करके रख देंगे। इसे हम आधे घंटे के लिए ढक देते हैं और इसके लिए हमने 1 कप से भी कम पानी लगाया है। मैं इसको ढक देती हूँ। अब हम दाल बना लेते हैं इसके साथ। ये मैंने 3 टाइप्स के दाल लिए। ये मैंने आधे कटोरी चना दाल लिए, ये 2 चम्मच हैं, 2 बड़े चम्मच। और ये मैं 2 चम्मच मूंग की दाल ली हूँ और 2 चम्मच में रहर की दाल ली हूँ। मैं दाल को अच्छे से धो लेती हूँ। मैं दाल को अच्छे से धो ली हूँ और इसमें पानी डाल दी हूँ। और मैं 1/2 चम्मच हल्दी डालूँगी और नमक डालेंगे हम 1/2 चम्मच। अब मैं इसमें ढक्कन लगा लेती हूँ और गैस में रख दूंगी। 1 सीटी के बाद हमें 5 से 7 मिनट के लिए कम आंच में पकाना है दाल को। ये हम गैस में चढ़ा दिए हैं, अब इसमें सीटी आने देंगे, फिर हम गैस कम कर देंगे। जब तक दाल बन रहे हैं तो हम चोखा की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने बैंगन लिए हैं, 2 टोमेटो लिए हैं, 2 आलू लिए हैं। अब ये हम बैंगन को ये हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, फिर हम इसे सेकेंगे। अब इसको हम गैस में रख दिए और गैस का फ्लेम को हम कम कर देते हैं और इस तरह से हम धीरे धीरे पलटते रहेंगे। अब इसी के साथ हम इस टोमेटो में भी ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और टोमेटो को भी रख देते हैं साइड साइड में। अब हम आलू को बॉईल कर लेंगे, क्योंकि ये रोस्ट करने से आलू अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से पक जाते हैं, अंदर से पकते नहीं, इसलिए हम इसको बॉईल कर लेते हैं। अब ये हम इस तरह से पलट देते हैं और टोमेटो को भी हम चिमटे के थ्रू से पलट देंगे। टोमेटो में जब तक ब्लैक ना जाए तब तक ये पकेगा नहीं, इसका छिलका काला ना हो जाए। अब ये देख रहे हैं टमाटर का छिलका पूरा ब्लैक हो गया है, इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम बैंगन को भी निकाल देते हैं, बैंगन भी हो गया है। हम गैस ऑफ कर देते हैं।
अब बैंगन और टमाटर ठंडा हो रहे हैं जब तक हम दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का के लिए मैंने पैन चढ़ा लिया है, इसमें मैं एक चम्मच तेल डाल दूंगी। तेल को हम गर्म होने देते हैं। अब ये तेल गर्म हो गया है, इसी में हम एक चम्मच जीरा डालेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे कड़ी पत्ते और ये डाल के हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब डालेंगे हम इसमें गार्लिक, डालेंगे गार्लिक को भी हम कट कर लिए और एक हम ग्रीन चिली डालेंगे। ये सब डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसी के साथ हम डालेंगे एक ऑनियन, मैंने ऑनियन कट कर लिए थे। ये सब डाल के हम अच्छे से इसको ऑनियन को हल्का पका लेंगे। ये आप देखिए प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसी में हम डालेंगे दो टमाटर, टमाटर भी डाल के हम अच्छे से इसको पका लेंगे। ये टमाटर भी हमारा थोड़ा पक रहे हैं, इसको हम ढक करके दो मिनट तक टमाटर को अच्छे से हम पकने देंगे। अब हम खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर हमारा ऑलमोस्ट पक गया है, इस तरह से हम मैश कर लेते हैं। अब इसमें हम दाल डाल देते हैं, दाल हमारे जो पक गए हैं अब इसे हम डाल देते हैं। दाल डाल के हम इसे एक बार वापस से मिक्स कर देते हैं। दाल थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो इसी में हम गर्म पानी डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा गर्म पानी डाल देते हैं और इस तरह से पानी डाल के इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला डालने हैं, गरम मसाला डाल के भी इसे हम एक बार मिला लेते हैं और इसे हम ढक करके दो से तीन मिनट तक इसमें अच्छे से बॉईल डालने देंगे। और हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। और इसको ढक देते हैं दो से तीन मिनट तक, जब तक ये मसाला भी हमारा पक जाएगा। जब तक दाल पक रहे तब तक हम चोखे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं टमाटो के छिलके निकाल लूँगी, तो इसी तरह से मैं बैंगन के, आलू के सब के निकाल लेती हूँ। अब ये दाल हमारा बन गया, हम गैस ऑफ कर दिए हैं। अब हम चोखा बना लेते हैं। अभी मैं सब आलू, टमाटर और बैंगन सबको छील ली हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, एक चम्मच नमक डालूंगी, आप चाहें तो नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी ऑनियन, अब मैं धनिया डाल दूंगी इसमें और इसी के साथ मैं डालूंगी ग्रीन चिली और गार्लिक को मैंने अच्छे से कूट लिए थे। और इसमें हम सबसे मेन डालने वाले सरसों का तेल डालेंगे हम एक चम्मच, और ये सब डाल के अच्छे से हम मैश करेंगे। ये आप देख रहे हैं हमने अच्छे से मैश कर लिया, ये अच्छे से हमारा पूरा मैश हो गया है। अभी हमारा चोखा बनकर तैयार हो गया है, ये चोखा बन गया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, हम लिट्टी बना लेते हैं। अभी हम आटा एक बार चेक कर लेते हैं, हम वापस से इसको हल्का सा इस तरह से मसल लेते हैं। हम लिट्टी अप्पे पैन में बनाने वाले हैं, आपके पास अगर ग्रिल करने वाला है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। आप इसे कढ़ाई में भी हल्का सा घी डाल के इसे सेक सकते हैं लिट्टी को। तो हम सबसे पहले इसको हम अच्छे से घी से इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे, हमें ग्रीस अच्छे से करना है घी से। अब हम ये आटा लेंगे, इस तरह से हाथ से करेंगे और इसमें से छोटे छोटे ये लड्डू जैसे इस तरह से बना लेंगे, छोटे छोटे डो निकाल देंगे। ये हमने छोटे छोटे डो ले लिए, अब इस तरह से हाथ से इसे गोल घुमाएंगे, ये हम गोल करेंगे और इस तरह से हम चाकू के थ्रू से इस तरह से हम कट लगा देंगे इसमें, इस तरह से हमें करना है। ये आप देख रहे हैं मैंने दूसरे भी सेम इसी तरह से किए,
और इसे हम इस तरह से हम कट लगा लेंगे। अब इसे हम एक एक करके इस तरह से रख देंगे। आप साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसा करना है आप कर सकते हैं। ये हम सारे डाल दिए। अब हम इसको वापस से ऊपर से फिर से इसे ग्रीस से ग्रीस कर लेंगे। तो हम पूरा ग्रीस कर ले रहे हैं। इसके लिए आप शुद्ध घी ही यूज करिएगा क्योंकि वही ज्यादातर यूज किया जाता है। इसे आप ऑयल से मत ग्रीस करिएगा, नॉर्मल ऑयल से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब मैं इसको ढक देती हूँ और गैस का फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। इसे एक साइड हमें सेकने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। मैम ढक देते हैं। अभी हमारे 3 मिनट हो गए हैं। इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं और इसे हम पलट लेते हैं। हम सबसे पहले हम 20 से पलटेंगे। तो इस तरह से हम पलट ले रहे हैं। आप ये देख रहे हैं बीच वाले पार्ट में हीट जल्दी लगता है, तो आप इसको थोड़ा सा जल्दी पलट लीजिएगा। हम वापस से इसके ऊपर फिर से घी लगाएंगे। तो इस तरह से हम सब में घी लगा लेते हैं और ये नीचे की तरफ भी इस तरह से कर लेते हैं, नीचे भी घी पहुंच जाए। इसे बेक होने में आसानी रहेगी। ये आप देख रहे हैं हमने लगा लिया। इसे वापस से इसे हम फिर 2 मिनट बाद चेक करेंगे, पर हमें ये बीच वाले को जल्दी चेक करना है। चलिए हम वापस से चेक कर लेते हैं। ये हम इसको बीच वाले को हम पहले चेक करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये अच्छे से बेक हो गया है। इसे हम पलट लेते हैं तो हम बाकी के भी चेक कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो जो सीख गया उसे हम निकाल लेते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से प्लेट में। ये मैं पूरा प्लेट में निकाल ली हूँ। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं वापस से फिर से हल्का सा इसमें ऊपर से घी लगा दूंगी। गांव में ना इसे क्या करते हैं, पूरा इसको तोड़ के अच्छे से घी डालते हैं, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी घी काफ़ी डाला है, हम थोड़ा सा घी ऊपर से भी लगा देते हैं। ये अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं मैंने इसको दाल इसके साथ काफ़ी गाढ़ी दाल थिक दाल ही रहे तो वही अच्छा है। और मैंने चोखा भी रख लिया है। और आप हमारा लिट्टी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका लिट्टी कैसा बना। एक बार फिर नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।